अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे हैं आप लोग, खुदा के फजल करम से हम लोग भी अच्छे हैं। तो गाइस देखो, मॉर्निंग हो चुकी है। आज हम लोग, आज मेरे शोहर भी जल्दी उठ गए, उनको भी आज जल्दी उठने का, तो उठे। आज हम लोग अभी मेरा नाश्ता कर चुके हैं। तो देखो, दिन भर की रूटीन आप लोग को मैं दिखाती हूँ। कहाँ जाने वाले हैं आप? देखे इंशाल्लाह आज कहीं जगह बोल रहे थे, बाहर जाएंगे तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दिन भर की रूटीन फिर मिलती है बाद में। देखो, हमारा दोपहर का खाना आ रहा है। आज मेरे इम्तियाज की भी छुट्टी है, तो आज सब मिलके हम लोग खाना खा रहे हैं। तो देखो, मैं आज दोपहर के खाने में क्या बनाई, एक चिकन कुरमा बनाई, चिकन का सूखा कुरमा देखो, और बनाई हूँ दाल बनी है हमारे घर में, ये देखो दाल भुजी रोटी चावल बनेला है, देखिए। और ये भुर्जी बनी है और ये रोटी बनी है। तो सब मिलके हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने फिर आप भी आइए खाने। खाने के बाद गाइस मैं आ गया हूँ अभी अहिरमपुर लेने, अहिरमपुर स्कूल में। देखिए स्कूल है, छोटी की हमारी है। सामने ओमकार बिल्डिंग भी है, देखिए सामने ओमकार प्रोग्राम ये हमारी ओमकार बिल्डिंग पर। आपको दिखाता हूँ कि हमारी फिल्म शूटिंग। तो गाइस देखिए, सारे बच्चे छूट गए। तो पहले से सब बच्चे, बड़े बड़े बच्चे लोग छोड़ते हैं, उसके बाद अब इरम को छोड़ेंगे। छोटे बच्चे लोग बाद में छोड़ते, इरम आएंगे तो आपको बताता हूँ। अच्छा, तो हमारी इरम स्कूल छूट गई है और मैं घर पे लेके चल गया, बताता हूँ आपको। चलो इरम, चलो भाग मत, भागते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देखिए, आज हमारी इरम को मैं लाने गया था स्कूल, और स्कूल से लेके आया। और देखो हमारी इरम फर्स्ट नंबर लाए नॉन वेज में, बता माँ फर्स्ट नंबर लाए। हाँ, क्या लिखा इस पेपर की बताओ? इसमें लिखा है कि दिस टू सर्टिफिकेट दैट मी मास्टर मिस इरम बानो मोहम्मद हनीफ शेख ऑफ क्लास फर्स्ट। हाँ, ये क्या लिखा है? नॉनवेज। तो फिर मिलता हूँ आपको। अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ। मेरी बड़ी मिस ने मेरे को सर्टिफिकेट दिए है। मैं नॉनवेज डे में फर्स्ट आई हूँ। मेरी दादी खुश हुए, मेरे दादा खुश हुए, मेरी मम्मी खुश हुई, मेरे पापा खुश हुए। वाह, आज अभी एकदम बहुत खुश हुई है। मेरे बच्ची को देखो, आज फर्स्ट मिला है, फर्स्ट नंबर मिला नॉनवेज में, जिसको बहुत खुशी हुई। हम लोग भी बहुत खुशी हुई, लोगों सबको खुशी हुई है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, मेरी बेटी को खुशी बहुत होगी। आज मेरी बेटी पहली बार लेके आई है पेपर, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। स्वीडन में भी तो माशाल्लाह अच्छा नंबर लाई थी, लेकिन आज भी देखो ये फर्स्ट में भी अच्छा नंबर लाई, अच्छा नंबर लाती है मेरी बच्ची। बहुत ही अच्छी तेज दिमाग की बच्ची है मेरी। देखो मेरी इरम स्कूल से आ गई है, आके अभी देखो हमारे चाय पानी हो रहा है, चाय पी ली मैं। तो आज मैं ना कांदे की भाजी बनाने वाली, झींगा डाल के। तो देखो मैं कांदे की भाजी दो गुंडी लेके आई, और ये झींगा है। कांदे की भाजी में क्या क्या डालते हैं आप लोग बताते हैं। ये कांदे की भाजी दो गुंडी है, और ये झींगा है, और देखो एक टमाटर, दो टमाटर है, ये हरी मिर्ची का पेस्ट, ये अदरक लहसुन, ये सब मैं कांदे की भाजी बनाऊंगी और डालने वाली। तो किचन में मिलते हैं आप लोग को। तो गाइस आप लोगों को बोल रही थी मैं कांदे की भाजी बनाने वाली हूँ। तो देखो मेरी कांदे की भाजी कैसी बनती है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो राई का तेल मेरा गर्म हो चुका है, सरसों का तेल। तो मैं सरसों के तेल में अपनी कांदे की भाजी बनाने, बहुत अच्छी बनती है। देखो पीठे तेल में भी बना सकते, बनाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके सरसों के तेल में बनाती हूँ। देखो ये मैं इसमें कांदा डाली हूँ, अभी मेरा कांदा लाल होगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
सरसों के तेल में कभी भी कांदे की भाजी बनाई ना, खाने में टेस्ट आती है। तो झींगा डाल के मैं बनाई, बहुत जीने गया था, झींगे की भाजी डाल के बनाई, तो मैं हमेशा बनाती झींगा डाल के। कांदे की भाजी में गोभी डाल के बनाओ, झींगा डाल के बनाओ, एक नंबर बनती है। ऐसा शादी भी बना तो खाने में कांदे की भाजी टेस्ट ही आती है। लेकिन अभी मैं बहुत दिन हो गया झींगा डाल के नहीं बनाया, तो आज देखो ये झींगा भी धो के अच्छे से रख चुकी मैं। और देखो कांदे की भाजी धो के छन्नी में छानने के उसमें पानी निकल रहा है, इसको भी अच्छे से देखो मैं धो दिए। देखिए ये मेरा कांदा लाल हो रहा है, लाल हो रहा है, लाल होने में फिर आप ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये एक चम्मच और ये आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। अब इसको डाल के ना अच्छे से भून लेंगे। देखो ये हरी मिर्ची का तो जितना टीका लगता है उतना बना सकते थे। मैं देखो ज़्यादा हमारे घर में टीका नहीं खाते थे, मैं एक चम्मच और थोड़ा सा मैं डालूँगी, टीका कम खाते हैं हमें। लेकिन हरी मिर्ची किसके अंदर हरी मिर्ची से ही बनाने का तो बहुत अच्छी लगी, ज़्यादा बारीक नहीं मोटी मोटी कूटी हुई मिर्ची रहेगी ना, तो इससे हरी भाजी बनाई है बहुत खाने में लज्जत लगती है। देखो भी डाल के मैं अच्छे से भून रही, अदरक लहसुन हरी मिर्ची अच्छे से देखो लाल हो चुकी है। तो अभी मैं डालूंगी ये टमाटर, देखो इसमें टमाटर डालूँ मैं अच्छे से। तो ये ज़्यादा मसाला नहीं डालने का इसके अंदर, अब अदरक लहसुन हरी मिर्ची थोड़ा सा गरम मसाला डालने का, वो भी डालने का नहीं भी डालेगी चल जाता, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फिर टमाटर करने के नमक डालना ज़रूरी है, मैं भी नमक डाल के अच्छे से रख दूंगी। टमाटर गले तक इसको अच्छे से भूनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता कांदे की भाजी, फिर कांदे की भाजी डालने के बाद में अच्छा भूनना है इसको, तो उसका पूरा पानी सूखे थे। अभी ये मैंने झींगा जो धो के रखी थी, ये देखो ये बड़ा बड़ा झींगा लाई थी मैं, सूखा झींगा है, ये गीला भी डाल सकते हैं, अब गीला तो और अच्छा बनता है। तो ये सूखा लाई थी मैं, सूखे झींगे में मैं इसको अच्छे से बना रही हूँ। तो पानी से मैं धो दी क्योंकि इसकी बास आती है झींगे में, और फिर भाजी में ज़्यादा बास, जितना अच्छे से गर्म पानी में धोई मेरे तो बास चली जाती, तो मैं गर्म पानी में धो के ठंडे पानी में धो रही इसको, इसकी पूरी बास निकल जाए। अरे झींगा कैसा है सुखाते हैं ना, उसको तो गंदा लगता है, तो गर्म पानी में धोने का भी ज़रूरी है। देखो ये मसाला मेरा अच्छे से इधर भून रहा है, तो टमाटर भी गलने आ गए, अभी मैं इसमें झींगा डालूँगी और टमाटर गला दूँगी। माशाल्लाह देखो अच्छी से धो भी आ रही है, तो अच्छे से टमाटर भी गल चुका है। देखो अब झींगा डालने इसमें और थोड़ा टमाटर वो भी गल जाएगा, तो देखो इसमें मिला है। देखो झींगा भी मैं डाल रही हूँ, मसाला भूनने के बाद झींगा अच्छे से धो के एक बार गर्म पानी से धोने का, फिर ठंडे पानी से धो के झींगे की बास पूरी मर जाती है। तो देखो मेरा झींगा और मसाला अच्छे से भून चुका है, अब थोड़ा ये गलने तक अच्छे से भूनने तक इसको मैं पिलाते रहूँगी, तो क्या खुशबू आते जरा भून लेने का, मसाले का पूरा पानी सूखे तक झींगा डाल दिए ना तो भूनने का तो पूरी कच्चापन इसका झींगे का मर जाता है, तो फिर भाजी डालने का, तो तुरंत भाजी कच्ची में डाल देंगे तो बास आने लगी भाजी में भी आती है। चलो टमाटर का पानी झींगे का पानी अपन डाला है ना, सब सूखना चाहिए, दाल चावल के साथ ये बना के खाओ, इतना अच्छा लगता है टेस्ट ही।
झींगे के अंदर काले की भाजी, सूखा झींगा रहो, गीला झींगा रहो या बोम्बिल लो, इसका पूरा पानी मेरा सूख गया है। देखो तो तेल छोड़ दिया पूरा पानी मसाले ने, देख अच्छा पूरा सूख के पानी तेल सूख गया, अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर डालूंगी भाजी, तो देखो एकदम झींगा अच्छे से भून ली, देखो मसाला पूरा तेल छोड़ दिया है, झींगा भी अच्छे से भुने गया अंदर मसाले के अंदर, देख सकते हैं खुला खुला हो गया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी कांदे की भाजी, ऐसे तो मैं कांदे की भाजी अच्छे से धो के साफ करके रख चुकी हूँ, और देखो मैं इसमें कांदे की भाजी डालूँगी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए अब मस्त झींगे की खुशबू भी अच्छी आ रही है, थोड़ा बारिश करूँगी, आधे ही डाल के घुमाना पड़ेगा उसको, नहीं तो क्या एक साथ पूरी टोप में बैठेंगी नहीं, मिर्च का मसाला जलते रहेगा, थोड़ा डाल देंगे ना तो थोड़ा मिर्च ऊपर कर देंगे, पूरा मेरी भाजी अच्छी बन रही है उसके ऊपर ही झींगा तेल छोड़ दिया अच्छे से, तो थोड़ा मिला देती हूँ अंदर डाल के थोड़ी भाजी, फिर बाद में और डालूंगी। मैंने दो गुंडी भाजी लाई थी, एक गुंडी भी डाल के एक बंडर भाजी गुंडी आती है ना तो एक भी डाल सकती है अपनी मर्जी, तो मैं अपने घर के पुरसा पे दो गुंडी लाई, ये झींगा की डालते हैं टेस्ट के लिए, तो थोड़ा टेस्ट आता है भाजी में, कीमे में भी बहुत सब कीमे भी बनाने का, कीमे भी बहुत अच्छी लगती है बनाने में, कीमे में डालो, बोमबिल में डालो, कांदे भाजी में, बहुत सारे अंडे में भी डालते हैं, अंडा फोड़ के भी दाल बनाओ उसमें भी अच्छी बनती, भुर्जी के जैसी बन जाएगी उसमें भी, तो अंडा भी फोड़ अंडे की भी बना सकती, कांदे की भाजी ना दो तीन किस्म से बना सकते हैं अपने ऊपर, ऐसे कोई आलू डाल के बनाता है ज़्यादा करके हमारे घर में, झींगा या बोमबिल या कीमा इसी में तीनों में ज़्यादा करके हम लोग डाल के बनाते हैं, शादी बनाएंगे ना तो क्या बोलते घर में, अरे नहीं अच्छी लगती है, खाते नहीं है भी बोलते घास फूस बनाए, अभी झींगा या बोमी डाल के बनाओगे तो बाजार खाएंगे ऐसा है। तो देखो अभी थोड़ी देर के बाद में मैं तो आप लोगों को दिखाती हूँ तो इसका पानी सूखे तक, देखो भाजी डाली थी ना मेरी भाजी, आप लोग देखो भाजी का पानी छूट गया है, अभी देखो अंदर बैठ गई भाजी, देखो अभी इसको इतना भूनना है इसको कि इसका तेल छूट जाए, अभी तो पानी छूटा है ना, एक कांदे की भाजी का पानी छूटता है ना, अभी पानी छूट गया, अभी गिल्ली गिल्ली है ये, अभी अपने को पानी सूखे तक इसको अच्छे से भूनना है, तभी वो टेस्ट लगेगी, तो पानी वाला ऐसा रख देंगे ना तो ज़रा भी टेस्ट नहीं आएगा भाजी के अंदर, तो कभी भी भाजी बनाएंगे ना तो तेल छूटे तक भाजी भून लेगा, अभी भाजी का टेस्ट आता है, झींगा और कांदे की भाजी, तो इसमें इतना सारा पानी छूटा है, देखो मैं तो पानी डाली नहीं अपने आप छूट जाता है, तो ये पानी सूखने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ दूसरे बाद में, देखो मेरी कांदे की भाजी सूखने अच्छे से टुकड़े टुकड़े बन गए, इतनी अच्छे से भून चुकी है, देखो तेल भी छूट गया अच्छे से, सब भुने में ना तो पानी पूरा सुखा देने का तभी ये खाने में अच्छी टेस्ट आती है, जलाना नहीं अच्छा भुनने का खाने में, देख सकते हैं पूरा तेल छूट गया मेरा पानी जरा भी नहीं है, देखो एक नंबर ये मेरी झींगा भाजी बन चुकी है, देखो कितनी अच्छी तेल छूट गया है, बन चुकी है, देखो ऐसे आप लोग भी बनाना, कमेंट में जरूर बताना मेरी झींगा भाजी कैसी बनी कांदे की, तो आपको खाने के लिए दिखाती हूँ। गाइस मेरी झींगे की भाजी बन चुकी है, ये देखो माशाल्लाह तेल छूट के देखो कितनी अच्छी बनी है, देखो चख के दिखाओ जरा झींगे की भाजी कैसी लग रही है आपको,
कमेंट में जरूर बताना, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, कमेंट में जरूर बताना नंबर कैसी बनी। तो आपको खाना खा के फिर मिलती है। तो गाइस देखो हमारा खाना बिना हो गया है, अभी सब लोग खाना खा लिए, खा के देखो सबकी सोने की तैयारी, इधर सो रहा है इधर सो रहा है, तो अब सबको नींद भी आ रही है, रात हो गई है, 11:30 बज रहा आया। तो गाइस हमारी मेरी दिन भर की रूटीन, और मैंने झींगे की भाजी बनाई हूँ, मेरा दिन भर का रूटीन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। हम नींद बहुत जोर से आई है, तुम करो आराम। अल्लाह हाफिज़।